मखियाली बाईपास पर कचरा व्यापारियों को ब्लैकमेल कर अवैध राशि की मांग के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक जनपद की पेपर मिलों में कार्य के दौरान पेपर कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसका काम मिल मालिक बाहर के व्यक्ति को सफाई हेतु दे देते हैं। वह कचरे की सफाई कर कचरा ठेकेदार बाकी बचे कचरे को आगे भेज देता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में हजारों गरीब परिवारों का पेट पलता है। वह रोजी रोटी किस प्रकार चल पाती है, परंतु इस कार्य पर भी कुछ वसूली माफियाओं की नजर पड़ गई। जानकारी के अनुसार कुलदीप चौधरी नामक व्यक्ति प्रदूषण विभाग के आरओ अंकित चौधरी के नाम पर उक्त कचरा व्यापारियों को ब्लैकमेल कर अवैध राशि की मांग कई दिन से कर रहा था, जिस पर गुंडई को नकारते हुए उक्त व्यापारियों ने इसे वहां से दो दिन पहले खदेड़ दिया था। तभी से प्रदूषण विभाग इनकी गाड़ियों को बंद कर व्यापार बंद करने की चेतावनी देने लगा, जिससे अजीज आकर इन सभी ने काम बंद कर दिया। जिसके बाद आज सुबह कुलदीप चौधरी की कचरे से भरी गाड़ी आज वहां से गुजर रही थी, तभी उधर से गुजर रहे सरकारी अधिकारी ने उस ट्रॉली को पकड़कर मखियाली चौकी खड़ा कर दिया। वह क्षेत्र के कचरा व्यापारियों को इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने प्रदूषण विभाग को इसकी जानकारी दी। प्रदूषण विभाग ने मौके पर आकर इस ट्रॉली को छोड़ देने के निर्देश दे दिए, जिस पर सभी व्यापारी भड़क गए। वह ट्रॉली के आगे लेट कर प्रदर्शन करने लगे। सभी का कहना था कि कोई काम अगर गलत है तो वो सभी के लिए गलत है, परंतु प्रदूषण विभाग के कुछ अधिकारी कुलदीप से मिलीभगत कर उन सभी से अवैध पैसे वसूलना चाहते हैं। वह कचरा कारोबार अगर बंद हो तो सभी के लिए हो, ना कि सुविधा शुल्क प्राप्त कर किसी एक को विशेष सुविधा दी जाए। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? क्यों मामला भैया ये है कि हम लोग एक छोटे से ठेकेदार हैं, फैक्ट्रियों से कचरा उठा के अपना गुजारा करते हैं, और एक चांदपुर से है कुलदीप चौधरी, वो बार बार हमारे ट्रैक्टर प्रदूषण विभाग अधिकारी, और उसके बाद हमने उनसे पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमें महीना दे 2 लाख रुपए महीना, सब ठेकेदार जितने भी हो सब इकट्ठा करके हमें 2 लाख रुपए महीना दे। किसके नाम पर अवैध दुआई करता है कुलदीप, कौन है, क्या करता है? कुलदीप एक गांव का ही है चांदपुर का, क्या करता है वो सब सबको यही बताता है कि हम तो जानते नहीं कि अंकित सिंह मेरा रिश्तेदार है, जो प्रदूषण विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी है अंकित सिंह, उन्हें अपना रिश्तेदार बताता है, और यही कहता है कि अगर आपको काम चलाना तो आप मुझे पैसे दे। तो वो क्या काम करता है? इसी का काम करता है जी, कचरे का, कचरे का, कचरे का। ये ट्रॉली पकड़ी हुई है, ये इसी की खड़ी है, ये इसी की ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। सिल्वर टोन पेपर मिल का ठेका, अब आप क्या चाहते हैं? भैया हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे काम कर रहे थे पहले से ऐसे ही करते हैं, बस और कुछ नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे कि कुलदीप चौधरी के खिलाफ कार्रवाई। ये ट्रॉली कैसे आई यहाँ पे? ये हमने पकड़वा के खड़ी, जब हंगामा हुआ तब वो यहाँ से अधिकारी भी यहाँ से गए थे, उसके बाद अधिकारी भी यहाँ से अपना रास्ता दिखा के चले गए। लगातार कचरे को लेकर प्रदूषण फैलाने का मामला सामने आता है भैया जी, कचरा कचरे से हम यहाँ पे ट्रॉली में कचरा खड़ा, इससे क्या प्रदूषण है? प्रदूषण कहाँ होगा? प्रदूषण पेपर मिल से होगा, जलाने से होगा, पन्नी को जलाने से होगा, ना कि हम इसको इसमें से जो ये लोहा स्क्रैप जो भी होगा ये हम इसमें से निकाल लेते लेडीज लगा के, और कोई कोई पॉल्यूशन नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? भैया हम यही चाह रहे हैं जैसे हमारा काम पहले चल रहा था ऐसे चलता है, नहीं तो उसको सबको बंद कर दो बस, अगर बंदी कराना तो इसे मिल से बंद करा दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम काम ही नहीं करेंगे, हम अपने मजदूरी का कोई और काम कर लेंगे। हमने ट्रैक्टर किराए पे, हमने जाके एजेंसी से ट्रैक्टर 2 लाख रुपए दे गए, किस्त पे, फाइनेंस पे, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये हमें फिर परेशान कर रहे हैं। आप ही बताइए हम कहाँ से दें इतने पैसे? आप प्रदूषण नहीं फैलाते, हम प्रदूषण प्रदूषण पन्नी से जलाने से होगा, हम पन्नी नहीं जलाते कभी भी, किसी हमारे जगह जगह गोदाम है कोई भी आके देख सकता है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ वार्ड 41 से। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? आज प्रदर्शन ये किया जा रहा है, ये सभी हमारे क्षेत्र के लोग हैं और करीब करीब यहाँ पे 30 से 40 से 50 से ठेकेदार। किस तरह के ठेकेदार? ये ठेकेदार है फैक्ट्री में ठेके लेते हैं पेपर मिल से, और मजदूर कह लो इसमें ठेकेदार कह लो, जब किसी आदमी को एक कार लगाने का भी काम मिले तो वो ठेका उसी का हो जाता है, उसी को कराना पड़ेगा। ये पन्नी का उसका बॉलर का ठेका लेते हैं पन्नी उठाने का, ये पन्नी उठा के मिल में भी डाल देते हैं और मिल से बाहर भी ले जाते हैं, वो तो मिल वालों का प्रोटोकॉल है उसमें क्या करना है। और विरोध इस तरीके करा है इन लोगों की, आज 5 से 6 गाड़ियां पकड़ी गई है। जो शिकायत करता है प्रदूषण विभाग में
वो भी कचरे पन्नी का काम करता है, उसका नाम है कुलदीप चौधरी। इन लोगों ने मुझे बताया है कि दो चार लोगों से कुलदीप ने बात की है और ये बात की है, तुम 50 से 100 लोग ये चीज का काम करते हो, आप ये करो, प्रदूषण विभाग में मेरी सेटिंग है, मेरा रिश्तेदार है अंकित सिंह जो आरओ है, अंकित सिंह आरओ जो है वो मेरा रिश्तेदार है, आप लोग मुझे 2 लाख रुपए महीना में इकट्ठे करके दे दो, मैं आप लोगों का बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगा, आपका काम परमानेंट ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे आपका परमानेंट ये 20 या 25 साल से आपका काम चलता रहता है ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह काम बंद होने से किस तरह की समस्या? भैया देखो, काम बंद होने से ये 50, 100, 200 तो जो है काम कराने वाले जिम्मेदार हैं, ये तो है ही, जो इनके पास एक एक जिम्मेदार के पास 50 से 100 लेडीज काम करती हैं, और मेरे हिसाब से कम से 4 से 5 हजार परिवार बेरोजगार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।